वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ऐवान में की गई तकरीब पर इलाके चंदनकुट्टा में टीआरएस कायदीन की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर चंदनकुट्टा टीआरएस इंचार्ज सीताराम रेड्डी के अलावा दूसरों ने इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए रैली को कामयाब बनाया। मैं एक प्रधानमंत्री के होदे पे इस तेलंगाना के खिलाफ में उनका दिल में जो जहर भरा हुआ है, उस जहर का इजहार करते हुए जो बयान दिए उसका हम मजम्मत करते हुए आज हमारे सीताराम रेड्डी इंचार्ज टीआरएस के आध्वर्यों में इस चंद्रनकुट्टा में हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज किया गया। और एक बार हम उनको बोलना चाह रहे कि ये तेलंगाना जो है ऐसी हासिल नहीं किया, जिसके मुंह को जो आया वो बोलते रहेंगे तो खामोश बैठने के लिए हमको भी बर्दाश्त एक हद तक होती है। अगर बर्दाश्त से बाहर हो गए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। इस चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी जान चुके होंगे। वो जब चीफ मिनिस्टर गुजरात थे वो टाइम पे जब तेलंगाना की एहतजाज चल रही थी, सोनिया गांधी को जड़ से उखाड़ के फेंका, यही तेलंगाना जो 1400 से 1500 बच्चे जो खुदकुशी किए तेलंगाना हासिल करने के लिए, 60 साल से जो ये तेलंगाना के जद्दोजहद को हमारे केसीआर साहब आगे बढ़ाए, जहाँ पे तेलंगाना नामी का नाम को जहाँ पे बाइकआउट किया गया, जब तेलंगाना के अल्फाज को जो है इस्तेमाल करे तो उनके ऊपर जो है लाठी नहीं तो उनके ऊपर केसेस लगाए गए, वैसे लोगों को कितना तकलीफ दिए, कितना तकलीफ के बाद में ये तेलंगाना हासिल किए वो सब लोग जानना चाहिए। आपके कैबिनेट में 2014 से लेकर 19 तक जो है सुषमा स्वराज जी जो है केंद्र मंत्री के होदे पर काम किए, उनका हम दिल से उनका जो है शुक्रिया अदा करते हैं और उनको हम बहुत इज्जत देते। अगर आज उन्होंने अगर जिंदा रहते तो कल के नरेंद्र मोदी के अल्फाज जो पार्लियामेंट में किए गए उनको देखकर रियली उन्होंने डिसअपॉइंट होते थे, उनका दिल को तकलीफ पहुंचता था। लेकिन ये बात को ये लोग मानना चाहिए, तेलंगाना एक ही जो स्टेट है जो है तेलंगाना में नंबर वन बनकर हर किसान को लेके जवान तक हर लोगों को इज्जत देते हुए हर एक को एक होदा क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रही है तेलंगाना रियासत। ऐसे स्टेट के ऊपर जो जहरीले सांप के जैसा डसना, पहले तो साउथ इंडिया को डोमिनेशन करे, नॉर्थ इंडिया में चप्पला उठने लगे, सब लोग जो है कुंदल के बीजेपी वालों को मारना शुरू करे, उन लोगों को समझ में नहीं आके साउथ इंडिया के ऊपर गिरकर मगरमच्छ के आंसू रोना शुरू करे। तेलंगाना का एक अस्तित्व है, हम अमरवीर स्तूपम बोलते हैं, हमारा एक आइडेंटिटी है, उसके तरफ जाकर कम से कम एक बार भी उस अमरवीर के जब अमरवीर जो तेलंगाना के लिए त्याग अर्पित किया उन लोगों के घरों में जाके कभी उनसे मिले नहीं, उनसे कभी बातचीत किए नहीं है नरेंद्र मोदी तो। लेकिन आज अचानक आकर तेलंगाना के ऊपर आकर इधर सियासी मफादात के लिए जो है कम्युनल टेंशन, कम्युनल राइट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तेलंगाना है। और ये चंद्रनकुट्टा में सीताराम रेड्डी जी हो या सरिता जी हो, जुर्की राजेंद्र भाई हो, हमारे सीनन्ना हो, कई डिवीजन कंटेस्टेड कॉर्पोरेटरों के सदारत में हम कहीं भी बीजेपी को उन लोगों के उनका फिरका परस्त और उनके जो है मौका पर